व्यावसायिक भर्ती में जूनियर के लिए आवेदन करने के लिए सीटेट पेपर दो बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो सीटेट पास नहीं थे, जिस सीटेट अपेयरिंग में उनको लग रहा था एलिजिबिलिटी है या नहीं, लेकिन मैंने वीडियो में बता रखा था कि जल्द ही जब भी सीटेट का आवेदन होगा तो आपको मौका जरूर मिलेगा। और अंत में यही हुआ, सीटेट की विज्ञप्ति आ गई और आज से ही आवेदन शुरू हो गया। आप लोग सबसे पहला काम सीटेट में जाकर आवेदन करें। इस बार जो सीटेट है वो ऑफलाइन के रूप में होगा और सीटेट जूनियर, चाहे बीटीसी हो, चाहे बीएड हो, चाहे डीएलएड हो, सभी अभ्यर्थी सीटेट जूनियर जरूर दीजिएगा। अब सीटेट जूनियर देने के बाद ये जनवरी 2024 में होगा और यह आप बिहार शिक्षक भर्ती में अपेयरिंग के रूप में आप अप्लाई कर पाएंगे। तो मैंने कई बार बताया था चीज़ों को और लोगों ने इस पर भरोसा भी किया, कुछ लोग इस सेशन में जुड़े भी रहे। और सीटेट 6 से लेकर 8 तक जो भी पास करेंगे वही बिहार शिक्षक भर्ती में 6 से लेकर 8 तक होने वाली भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले पाएंगे। विषय यह है कि कौन मैथ का चयन करेगा, कौन एसएसटी का चयन करेगा, तो एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले जो बीएससी के अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने बीएससी किया हुआ है, वो मैथ साइंस लेंगे तो सभी जानते हैं, लेकिन उसके अलावा जो बीटेक के अभ्यर्थी हैं वो भी लेंगे, और जो एग्रीकल्चर है बीएससी वो भी मैथ एंड साइंस लेंगे, लेकिन जैसे बीसीए है तो वो एसएसटी लेंगे, और चाहे तो वो साइंस का भी चयन कर सकते हैं, साइंस मैथ का कोई दिक्कत नहीं है। बीबीए एसएसटी, बीसीए जो है यह हो गया, बीबीए बीबीए जो है वो भी एसएसटी, बीकॉम जो कॉमर्स है वो भी एसएसटी का चयन कर सकते हैं। उसके अलावा कोई कोर्स छूट रहा तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने देखी, हाँ कुछ लोग जैसे होम साइंस से वो यूजी हैं तो वो कहते हैं सर मैं होम साइंस से हूँ, तो होम साइंस भी आर्ट का सब्जेक्ट है, तो आप भी क्या करेंगे एसएसटी से भी दे सकते हैं। तो आप एसएसटी और मैथ से सीटेट पास हैं और उसी स्ट्रीम में आप जूनियर शिक्षक भर्ती दे सकते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, कहीं भी अगर आप जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास जूनियर का सीटेट पास होना अनिवार्य है। सीटेट के मार्क को लेकर, अदर स्टेट को अगर हम बात करें तो जो अदर स्टेट के नंबर को लेकर बहुत तरीके से मैसेज उड़ रहा था कि सर अदर स्टेट में क्या होगा, तो मैंने एकदम साफ एकदम बताया था कि आप लोग अगर डर हो तो आप अदर स्टेट अगर है तो सबसे पहले अब तो आप अपेयरिंग में डाल दीजिए। अगर आप अपेयरिंग में आवेदन कर पा रहे हैं तो आवेदन कर लीजिए, और अगर आपके 90 से कम है तो अपेयरिंग में आवेदन कर लीजिए, अगर पास हो गए तो वो मार्कशीट लगाइएगा, अगर आपके नंबर कम आते तो जो आपके पास मार्कशीट उसी से आप डीवी करा सकते हैं। तो बिहार शिक्षक भर्ती में एकदम आपको समझ में आ गया कि सीटेट आपके लिए आप तैयार हो, सीटेट में अगर आपने आवेदन कर लिया तो ठीक है आज से आवेदन शुरू करिएगा। सीटेट जूनियर की जो पूरी नोट्स है मैं यहाँ पे आपको जरूर बताना चाहूंगा, सीटेट जूनियर की पूरी जो नोट्स है वो एनसीईआरटी पैटर्न पर होती है। आप जानते हैं सीटेट पूरी तरह से एनसीईआरटी पर है, और इस बार सीटेट का लेवल आपने देख लिया तो सीटेट की पूरी कंप्लीट नोट जो है वो ई लर्निंग विद दुर्गेश पे उपलब्ध है, वो हार्ड कॉपी आपके घर तक भी जाएगी और पीडीएफ फॉर्मेट में भी उपलब्ध है। तो आप इस नंबर पर काले व्हाट्सएप कर आप जानकारी ले सकते हैं, यहाँ पर कंप्लीट जो है इसके जो नोट्स है वो मिल जाएगी, जहां पर आपको पूरा सब्जेक्ट की नोट्स मिलेगी। जी हाँ, सब्जेक्ट के ऊपर पेडागॉजी जो है आपकी, यहाँ पे जो पेडागॉजी आपकी वो भी यहाँ पर आपको पूरी नोट्स मिल जाएगी कम्प्लीटली, क्योंकि आप जानते हैं जो इसका पूरा सिलेबस है, पूरा पैटर्न है वो। अब आप कहेंगे तो मैं सीटेट को पूरा बता दूं कि सीटेट का पेपर कैसे होगा, कैसे आपको विषयों का चयन करना होगा, क्योंकि सीटेट आज से ही आवेदन करना है। आवेदन कैसे करना है अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि सीटेट में आवेदन कैसे करना है, सीटेट का फॉर्म कैसे भरना है। एक बात और, मैं अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा कि सीटेट के साथ साथ बिहार जूनियर की तैयारी कैसे करें, क्योंकि कुछ चीजें कॉमन हो जाएंगी और जो चीजें अलग है वही आपको पढ़ना पड़ेगा। जिसकी परीक्षा पहले होगी सबसे पहले आपको उस पर अपना जान लगाना पड़ेगा, और अगर अपने लर्निंग विद दुर्गेश के नोट से सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो 15 दिन मान के चलिए 15 दिन में अपनी तारीख को पूरा कर पाएंगे। लेकिन उसके पहले सबसे पहला काम जो आपको करना है वो सीटेट के जो जूनियर, अगर आप साइंस है साइंस, मैथ है मैथ, तो प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपका उस पर सबसे पहले फोकस करेगा। प्रीवियस ईयर पेपर जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना, अगर आपने एक बार नोट्स पूरा पढ़ लिया उसके बाद अगर प्रीवियस ईयर पेपर आपने कंप्लीटली पढ़ लिया, सीटेट आप हवा में पास कर जाएंगे, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कब सीटेट पास कर लिया। और अब सीटेट पास करना मतलब 90 से प्लस स्कोर करना है, उस पर आपको मेडल नहीं लाना है। तो आप सबसे पहला काम है सीटेट को हर हाल में पास करना है और बिहार शिक्षक भर्ती में अपना सिलेक्शन लेना। अगर आप बीटीसी बीएड डीएलएड या बिहार से देख रहे हैं या किसी भी राज्य से आप देख रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी अहम काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, और इसके लिए आप सब अपनी जान लगा दीजिए, लेकिन जाने नहीं देना है। बाकी कोई सवाल कोई प्रश्न वीडियो में कमेंट करेगा, कोई सुझाव हो तो कमेंट करेगा। हाँ, अगर बिहार शिक्षक भर्ती की भी नोट चाहिए तो हाँ आप प्राप्त कर सकते हैं, जूनियर की बिहार शिक्षक भर्ती की संपूर्ण नोट्स आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगी। हाँ, लेकिन आप टेलीग्राम पर जो भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहला काम आप ये करिएगा कि टेलीग्राम पर जुड़े रहेंगे तो सभी क्लास की नोट नोटिफिकेशन, मैंने शुरू में बताया था कि दीपोलिस पहले आपको नोटिफिकेशन पूरी तरह से आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम देखें तो टेलीग्राम पर आप सर्च करिएगा दुर्गेश सर, जैसे दुर्गेश सर सर्च करेंगे ई-लर्निंग पे दुर्गेश आएगा, और दुर्गेश सर सर्च करने के बाद आप उस पर जुड़िएगा टेलीग्राम पर, जहां पर बिहार शिक्षक भर्ती की कंप्लीटली नोट्स मिल जाएगी। और अगर आप चाहें प्योर एनसीईआरटी भी आपके लिए उपलब्ध है, वहां से भी आप ले सकते हैं हार्ड कॉपी में पीडीएफ में दोनों फॉर्मेट में यहाँ पर नोट्स है सीटेट का। तो सीटेट की तैयारी भी आपके लिए अहम और महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया
सीटेट आपके इसलिए जरूरी है, जूनियर का सीटेट नहीं पास है तो बिहार शिक्षक भर्ती आपके लिए बढ़िया और बेहतरीन मौका है, और हम चाहते हैं कि आप उसके लिए जान लगा दीजिए, लेकिन जाने नहीं दीजिएगा। और इसके एक बार सिलेबस पे बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये हो गया आपका सीटेट जनवरी 2024, ठीक। इसमें सीटेट पेपर टू की मैं बात करूंगा, यहाँ पे जो पूरा मैं बात करने जा रहा हूँ ये होगा सीटेट पेपर टू का। यहाँ पे जो हम बात करेंगे ये है सीटेट पेपर टू पे, क्योंकि यह बात कंफर्म रहेगा तो यहाँ पे सीटेट पेपर टू। अब सीटेट पेपर टू में अगर हम बात करें तो यहाँ पर विषय कैसे होंगे, सबसे पहले जो सीडीपी होगा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, ये जो सीडीपी होगी ये सभी के लिए अनिवार्य होगा। सीडीपी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या होगी 1 से लेकर 30 प्रश्न, ये सभी के लिए अनिवार्य है। ये क्या है, सभी के लिए अनिवार्य, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कुल प्रश्नों की संख्या इसमें 150 होती है, जिसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 82 और 90 चाहिए, लेकिन कोशिश करेगा 90+ रहे, जैसा कि बार बार कई यूट्यूबर आपको अफवाह में रखते हैं। सीडीपी के बाद दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा हो जाएगा आपका मैथ साइंस, मैथ साइंस हो गया, और यहाँ पे एसएसटी का भी चयन कर सकते हैं सोशल वाले। अब इसकी जो प्रश्नों की संख्या होगी, अगर हम इसकी प्रश्नों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर ये होगा 31 से लेकर 90 तक, माने प्रश्नों की संख्या अगर हम बात करें, टोटल प्रश्न की संख्या अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्रश्नों की संख्या आप देख लीजिएगा, प्रश्न की संख्या तो एक बात तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर जो कि प्रश्न संख्या आने वाले हैं वो यहाँ पर है, यहाँ से 30 सवाल होंगे सीडीपी से और 60 सवाल होंगे साइंस वालों को साइंस, एसएसटी वालों का एसएसटी, मतलब यहाँ से देखिएगा ये हो गया साइंस मैथ हो गया और एसएसटी, मतलब इसमें से कोई एक जो भी आपका होगा 60 प्रश्न वहां से आएगा। दूसरा भाषा की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, अगर हम लैंग्वेज की बात करें यहाँ पे तो लैंग्वेज में यहाँ पे दो लैंग्वेज होते हैं, ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज भी यहाँ पर दो होते हैं, जो लैंग्वेज फर्स्ट होगा, ध्यान दीजिएगा जो लैंग्वेज फर्स्ट होगा, जो भी रखेंगे फर्स्ट सेकंड एक ही भाषा नहीं सकते, जो फर्स्ट में होगा सेकंड नहीं, जो सेकंड में होगा वो फर्स्ट में नहीं, एकदम ध्यान रखिएगा कि एक ही भाषा जैसे हिंदी है दोनों में आप नहीं रह सकते, ठीक है, या अंग्रेजी है दोनों में, संस्कृत, एक भाषा फर्स्ट एक सेकंड में, हिंदी को सेकंड में भी रह सकते हैं फर्स्ट में भी रह सकते हैं, लेकिन जिस भाषा को फर्स्ट में रखेंगे उस बात का एकदम ध्यान रखिएगा, उस बात को एकदम बैठा लीजिएगा मन में, उस प्रश्न को आपको 91 से 120 हल करना होगा। जिस भी भाषा को आप भाषा सेकंड के रूप में रखेंगे वहां जो भाषा होगी वो आप रखेंगे 121 से लेकर 150। इसकी आपको हम कोशिश ये करेंगे इसकी जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको उपलब्ध करा देंगे, ताकि इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपका जो कॉन्सेप्ट है ना ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। जी हाँ, भाषा को संबंधित यहाँ पे मैंने आपको एकदम बता दिया। अब अगर यहाँ से उम्मीद है कोई तो पूछ सकते हैं, यहाँ पर एक ही भाषा को दोनों में नहीं रह सकते, जैसे आपने हिंदी को द्वितीय भाषा में रखा है 121 से 150 साल करेंगे, हो सकता है संस्कृत अगर आपने फर्स्ट में रखा है 91 से 120 साल करेंगे, क्योंकि प्रत्येक भाषा में 60-60 सवाल होंगे, आपको वही चूज करना है जो आपके फॉर्म भरते समय जिसका आपने चयन किया है। तो ध्यान रहे, कोशिश करिएगा, अगर आप हिंदी भाषी राज्य से देख रहे हैं तो फर्स्ट में अगर मान लीजिए आपने हिंदी चूज किया, मान एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मान लेते हैं, अगर हम एग्जाम्पल के तौर मान लें अपने हिंदी को फर्स्ट में चूज किया है, एग्जाम्पल के तौर पर हम ये मान लेते हैं आपने संस्कृत को द्वितीय भाषा रखा है, तो संस्कृत में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यही मैं कहना चाह रहा था कि संस्कृत में भी दो भाषाएं होती है फर्स्ट और सेकंड, आपको सेकंड वाला पोर्शन हल करना है जो 121 से लेकर 150 तक था, हो सकता है आपने इंग्लिश ले रखा हो, हो सकता है आपने इंग्लिश ले रखा हो, तो इंग्लिश की अगर सेकंड लैंग्वेज आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा, अगर इन दोनों में से कोई एक ले रहे हैं तो फर्स्ट में हिंदी रखिएगा, दूसरे में संस्कृत इंग्लिश रखिएगा, लेकिन दोनों में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पद्यांश और गद्यांश से सवाल आते हैं, दोनों में यहाँ पे अगर हम पद्यांश की बात करें गद्यांश की, तो पहले तो पेडागॉजी जो होगी वो यहाँ पर 15 नंबर की होगी, लेकिन यहाँ पर 15 नंबर में जो गद्यांश और पद्यांश है तो यहाँ पे दो दो भाग बढ़ जाएगा, 9 नंबर में आपका ऐसे मान लेते हैं प्रोज है 9 नंबर में और पोएट्री भी है 6 नंबर में, 9 6 15 ये प्रक्रिया यहाँ पर होगी, कुल मिलाकर 30 नंबर यहाँ से और 30 नंबर यहाँ से, कुल जो पेपर होगा 150 प्रश्न आएगा, कितना 150 प्रश्न, आपको कोशिश करना है कि आपको 90 प्लस स्कोर करना है, इसके लिए आप पूरा एनसीईआरटी फोकस करें, क्योंकि सीटेट एनसीईआरटी एक अक्षर भी बाहर नहीं जाता, एक एक लाइन उसकी एनसीईआरटी से होती है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आपके बिहार शिक्षक भर्ती में भी काम हो जाएगा और आपको यहाँ पर भी काम हो जाएगा, जूनियर शिक्षक भर्ती की भी तैयारी हो जाएगी। अगर आपका समय लगता है कम है, आपको दोनों तैयारी करनी है, एनसीईआरटी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आज ही लर्निंग विद दुर्गेश पर कंप्लीट नोट्स एनसीईआरटी की प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, एनसीईआरटी की जो कंप्लीट नोट्स है लर्निंग विद दुर्गेश पर एनसीईआरटी नोट्स 6 से लेकर 12 तक की भी आपको मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको सीटेट का नोट चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा, सीटेट के भी नोट्स चाहे पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड सभी के दोनों को नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, उसके लिए आप एक नंबर है लर्निंग विद दुर्गेश
ऑफिस का नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा जहां भी वीडियो को देख रहे हैं, और टेलीग्राम पर तो जोड़िए, क्योंकि ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जो है एक ही जगह मिल जाए, उसके लिए टेलीग्राम पर आप दुर्गेश्वर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश्वर सभी लोग जुड़ जाइएगा। जैसे ही ई-लर्निंग विद दुर्गेश्वर जुड़ेंगे आपको मेरी और अन्य सभी क्लासेस मिल जाएंगी। 6 से लेकर 12 तक के सभी एनसीईआरटी हिंदी अंग्रेजी मीडियम में ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर आपको एक ही जगह मिल जाएगी। जूनियर शिक्षक भर्ती की जो सभी क्लासेज हैं ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप से आपको मिल जाएगी। ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पे जो ई-लर्निंग विद दुर्गेश का वहाँ पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मौका मिलता है, मैं यहाँ शुरू से पढ़ाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, प्रेफर करता हूँ, सभी विषयों के टीचर हूँ, सभी विषय की यहाँ पे क्लास भी मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया होगा, नहीं तो तभी कर दीजिएगा, लाइक नहीं तो लाइक का बटन दबा के रखिएगा। मिलता है एक नए सेशन के साथ, एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। कोई भी जुड़ा हो अब बिहार शिक्षक भर्ती मेरी शुभकामना है, सीटेट जूनियर आप देने जाए तो उसके लिए भी शुभकामना, जो यथाउचित कहेंगे वो आपकी मदद होगी, जो भी होगी सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे, जहां पे शिक्षण के भी नोट्स मिल जाएंगे, पेडागॉजी के भी नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीटली आपको नोट्स यहां से मिल जाएंगे, इसलिए कहीं भी किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। आप इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को साझा करिएगा, अपने सभी साथी मित्रों को भेजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, मैंने अपना काम कर दिया, अब आपका बारी है और आप इसे शेयर करिएगा। ठीक, कोई सवाल हो कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रश्न कोई सुझाव हो तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपकी वीडियो किसी की मदद कर सकती है तो उसे शेयर जरूर करिएगा। ये बिहार शिक्षक भर्ती के लिए काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण वीडियो था। थैंक यू।